ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଶୁକବି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କରିଥିବା ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅରୁଣ ଭରଦ୍ୱାଜ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଲେଖାପଢ଼ା ହେବା ସହିତ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିପିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ପିପିଲି ମହିଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଓ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କି ଲଢାଇ ଲଢ ରହା ହେ। ଓଡ଼ିଶା କେ ହାଇକୋର୍ଟ ମେ ଜିତନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆତେ ହେ ସବ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମେ ଆତେ ହେ। ଓଡ଼ିଶା କି ଜନତା କୋ ଓ ସମଝ ମେ ନହିଁ ଆତେ କି କିସ କେସ ମେ କ୍ୟା ହୁଆ। ଅଭି ଏକ ମୁଦ୍ଦା ଚଲ ରହା ହେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ପ୍ରିୟା କେ କେସ କା, परी के केस का, उसका सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी तो किसको समझ में आएगा। तो भारतीय भाषा आंदोलन की ये डिमांड है कि सारी कार्रवाई जिस हर केस में, हर कोर्ट में, हर केस में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, वकील बहस उड़िया में करे, याचिका दायर उड़िया में हो, अदालत निर्णय उड़िया में दे ताकि आपको और हमें समझ में आए। समझ में नहीं आता है कोर्ट क्या निर्णय देती है, अंग्रेजी में देती है, उसको पलट के देखता रहता है मुवक्किल, उसको समझ नहीं आता है। फीस मुवक्किल देता है, कोर्ट फीस मुवक्किल देता है, उसको फैसला अंग्रेजी में देती है कोर्ट, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या फैसला दिया गया है, तो न्याय कहाँ है। हमारा ये कहना है ये न्याय नहीं है। इसलिए भारतीय भाषा आंदोलन जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। तमिलनाडु में ये न्याय तमिल भाषा में मिलना चाहिए, उड़ीसा में ये न्याय उड़िया भाषा में मिलना चाहिए, पंजाब में ये न्याय पंजाबी भाषा में मिलना चाहिए। यहाँ के मछुआरे को अंग्रेज़ी नहीं आती, पंजाब के किसान को अंग्रेज़ी नहीं आती, देश में 2% से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। इसलिए अंग्रेजी में अगर आज मैं आपको फैसला दे दूंगा 50 पन्नों का सर्वोच्च न्यायालय का, आप कितने ही वरिष्ठ पत्रकार हों, कितने ही अच्छे पत्रकार हों, आपको समझ नहीं आएगा कि कोर्ट ने अंग्रेजी में क्या लिख दिया है। इसलिए आपको निर्णय चाहिए उड़िया में, आपको निर्णय चाहिए अपनी भाषा में, उस भाषा में जिसमें माँ ने आपको आशीर्वाद दिया, उस भाषा में जिसमें पिता ने आपको आशीर्वाद दिया, उस भाषा में जिसमें गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया। माननीय पाटसानी जी के आशीर्वाद से हम लोग भारतीय भाषा आंदोलन में साइकिल यात्रा को अब चला रहे हैं। हम ग्वालियर जाएंगे झांसी की रानी के स्थल पे, हम अयोध्या जी जाएंगे, अभी हमने भगवान जगन्नाथ जी के पवित्र धाम जगह अपने पुरी से प्रारंभ करके हम लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में का समापन करेंगे और फिर दूसरी यात्रा पंजाब में सरिंद की दीवार पर जा करके अपनी समाप्त होगी। भारत माता की जय। भारत सारा बुली बुली जो क्रांतिकारी संग्राम आरंभ करिसंती भाषा पाई, माटी पाई, माँ पाई, देश पाई, संविधान जो अच्छी 22 प्रदेश रो भाषा संविधान को मैंने ग्रहण कर मान्यता देकर ଆମର ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଭାଷା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଗଲାଣି, ଆମର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଠୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଅଦାଲତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ କୋର୍ଟ ଯାଏ ଗାଁର କୋର୍ଟ ଯାଏ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଭାରତରେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତେବେ ସୁବିଧା ହେବ, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଭାଷା, ନାମ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲାଗିବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତରଫରୁ 2 ଦିନ ଧରିକରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁକା ପୁରୀରେ, ପବିତ୍ର ପୁରୀରେ, ଯେ ସବୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଇଂଲିଶରେ,
इंग्लीश भाषा सब कार्यक्रम होउची ताहाकु रद्द करिकिरि ओडिसा रे ओडिसा रो उच्च न्यायालय रे एवं न्यायालय मानकरे आमर मातृभाषा ओडिया ओडिसा रे कार्यक्रम होउ विचार रो निष्पत्ति मध्ये ओडिया रे प्रकाश पाउ साधारण आदमी टे जानी परिबो साधारण मनुष्य जानी परिबो ए मोर केस रो मोर विचार रो निष्पत्ति कोन हैला से भली वेस्ट बेंगल रे बा कलिकता रे बंगला भाषा रे होउ यूपी रे हिंदी रे होउ झारखंड रे होउ तेणु प्रत्येक आंचलिक क्षेत्र रे आंचलिक राज्य मानक रे भाषा न्यायालय रो भाषा तलु ऊपर जाए आंचलिक भाषा रे होउ एवं जातीय कोर्ट मानक रे शीर्ष अदालत मानक रे हिंदी भाषा रे होउ किंतु आमर सही कार्यक्रम चली से इंग्लीश रे इंग्लीश रे इंग्लीश रे जहाँ प्रकृत न्याय को बुझिया पाई साधारण लोक असुविधार सम्मुखीन होउची एवं बाट बाटरे मध्य अबाटरे जीवार सुजोग रही बाट बणा करा जाउची तेणु विचार को केतेबेले बाट बणा करा न जाऊ खांटी मातृभाषा रे क्षेत्र भाषा रे विचार हो एटा ए आंदोलन जो साइकिल रैली चली पुरी रु पार्लियामेंट जो चली बहु बड़ बड़ अधिवक्ता माने सुप्रीम कोर्ट रु आछंती पिपली रु प्रफुल्ल कुमार साहू को रिपोर्ट ओडिसा विजन टीवी।